अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और व्लॉग में स्टार्ट से पहले दो जी अंडे आए हैं वाइट डक के, छोटा लेके आया है। तो चलिए देखते हैं कि वाइट डक के अंडे कैसे हैं। और दूसरी ये है कि चारा भी लेके आया, तो चारा भी हम ऊपर लेके आते हैं। सो जी मैं जाने लगा हूँ नीचे, लेकिन नीचे जाने से पहले मैंने देखा है कि ये जी बहुत बै बै कर रही है। पहले बोलती थी नहीं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसके जो बच्चे हैं वो हैं नीचे, तो उन बच्चों को भी साथ ही ऊपर लेके आएंगे ताकि माँ जो है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। आपको पता है कि अभी धूप निकली है और सूरज और अभी आया, सुबह की काफ़ी सर्दी पड़ रही थी जिसकी वजह से इसके बच्चों को हमने नीचे रखा है। तो चलिए चलते हैं, इनके बच्चों को भी लेके आते हैं और साथ जो है वो हम अंडे भी लेके आते हैं। सो जी नीचे जा रहे हैं, जाके लेके आते हैं। सो मुझे एक दफ़ा दोबारा ऊपर जाना पड़ा क्योंकि चारे के लिए चादर लेके आनी थी, वो भूल गया मैं। ये पड़ी है जी, इसको पिक करते हैं। सो ये लो जी चादर भी आ गई है। समी पहले समय दिखाओ जो लेके आए हो तुम अंडे। सो ये पड़े हुए हैं जी अंडे, काफ़ी दूर पड़े हुए थे यार। ये ओपन करके दिखाना, ये वाइट डक के हैं, दिखाना इधर रख के। सो जी ये देख सकते हैं जी, वाइट डक के अंडे लेके आया है ये। और इस ये तो मुर्गी जैसे अंडे नहीं लग रहे, इतने होते हैं छोटी सी बकत के अंडे। अच्छा, तो इससे बच्चे निकलवाने हैं। सो जी देख सकते हैं अंडे आप, दोनों बत्तखों के हैं। जो हमारी ऊपर वाली बत्तख हैं जब वो अंडे दे के बैठेगी तो उसके साथ इनको भी रख देंगे ताकि वो वाइट वाले भी हमें मिल जाएं। और अब जो है ये चारा हम डालेंगे इसके अंदर और फिर इसको ऊपर लेके चलते हैं। सो जब तक ये यार चारा डाल रहा है तो आप लोग प्लीज़ यार हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो हम जल्दी जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सकें। चलो अभी कितने समी किलो लेके आए हो बट्ठे? 25 किलो। ठीक है चलो इसको लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो बकरी के बच्चों को भी ऊपर लेके जाना है। सॉरी छोड़ के तो नीचे आ जाना, फिर समी हम जो है वो बच्चों को लेके जाएंगे। चलें जब तक ये छोड़ के आता है तो हम लोग उस वक्त तक चलते हैं अंदर और वहाँ पर जाके देखते हैं कि जी बच्चे क्या कर रहे हैं। सो ये देखें जी बच्चों को इसके अंदर रखा हुआ है और अब इसको ओपन करते हैं और ऊपर लेके चलते हैं। चले अभी भाई साहब आ चुके हैं और अब हम इनको निकालते हैं। समी ये भी लेके जाना है ऊपर? पहले बच्चे लेके जाएंगे फिर ये खुडा भी लेके जाएंगे। ये देखें याद है आपको जो मैंने मंडी से ख़रीदा था ये वाला, तो ये देखें आज हमारे काम आ गया। वे 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 प्यारे प्यारे बे, देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे हैं जी, सो स्वीट प्यारे बेबीज। चलो आपकी मामा आपको याद कर रही है। सो छोटा गया जी पिंजरा लेने के लिए क्योंकि इसको ज़रा ढांप शाम के लेके चलेंगे ऊपर। अरे इधर उतनी देर तक हमें अपना चेहरा दिखा दो। अरे सो ये देखें जी माशाल्लाह, ध्यान से भाई ध्यान से। चलो 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 अब की बारी आ गई, अब इसको भी पकड़ो जी, इसको भी पकड़ो, इसको भी लेके चलते हैं। ये देखें जी तोतों के पिंजरे के अंदर डाल दिया है उस दोनों को और ये इसको अब ऊपर लेके चलते हैं। चलो अभी लेके चलिए इसको ऊपर, ध्यान से ध्यान से। सो ये देखें जी इसकी माँ की एक्साइटमेंट चेक करें, अपने बच्चों को देख के कितनी खुश हो रही है। और देखिएगा अभी कितना प्यार करेगी इसके से। ये देखें जी साथ ही उसने ना प्यार करना शुरू कर दिया इनको। शाबाश निकालो निकालो निकालो। तो ये देखें जी अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा बोल रही थी बहुत वो आगे चला गया। समझ इसको पास करो ना, उसके उसे करीब करो। चलो 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 थोड़ी सी वॉक भी हो जाए ना इसकी। आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ इधर, शाबाश शाबाश। चलो 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 मामा के पास आ जाओ। ये अभी पीछे ही है। चलो जब तक ये करता है मैं उतनी देर तक मुर्गियों को छोड़ देता हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा बाहर आ जाएं और साथ ही बत्तखों को भी छोड़ देते हैं। चलो यहाँ जो मुर्गियों, क्योंकि मुर्गियों का जो केज था वो हमने यूज़ कर रहे थे उनके लिए, बकरी बच्चों के लिए, तो मुर्गियों को अब छोड़ दिया। सो ये देखें कबूतर हैं, कबूतरों को भी ओपन कर देते हैं, अगर बाहर आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपने भी आना तो आ जाओ। और ये देखो जी अक्सर आपने देखा होगा मेल ही बैठा होता है अंडों के ऊपर, फीमेल साहिबा जो हैं वो सुकून से रिलैक्स करती हैं। चलो इसको भी मैंने किया, अब चलते हैं जी बत्तखों के घर और उनको भी देखते हैं जी। कल की ये भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी,
और अब इनको निकालते हैं ताकि ये भी रिलैक्स कर लें। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश। सो जी आ गया, पहले फीमेल आ गई है, वाह जी वाह। चलो चलो शाबाश, बाहर जाओ, मैं आपको बाहर जाके खाना डालता। अंडा नहीं दिया भाई इन्होंने आज, अंडा कोई नहीं दिया। चलो 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 शाबाश शाबाश, बाहर चलो 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 चलो, घूमो फिरो थोड़ा सा, ज़रा इनकी टांगे टांगे खुल जाएँ, जुड़े हुए हैं कल के अंदर ही। हाँ भी डेजी, कैसे हो यार? आपको तो मैंने कुछ देर पहले डाला था खाना, बाहर आना चाह रहे हो लेकिन अभी नहीं आना, अंदर ही रहो। सो जी माशाल्लाह बाहर आ गए हैं, ओए लड़ाई झगड़ा है ना इन्होंने का स्टार्ट हो गया आते। सब अत्थे पानी पी रही हैं, मुर्गे उस साइड पर सह रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। ये है और ये देखें जी, कितने एक्साइटेड हो गए हैं, साथ ही बाहर निकाला है और साथ ही एक्साइटेड हो गए हैं। इन्होंने कोई नहीं अंडा दिया अभी तक, इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया, बस जस्ट वैसे ही है जो है वो कर रहे हैं। उन दोनों ने माशाल्लाह दो अंडे दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों बच्चे निकल आएँ। और ये देखें जी बजीज और साथ दूसरे ऑस्ट्रेलियन तोते, और इनके भी अंडे चेक करते हैं कि इन्होंने दिया है कोई कि नहीं। मैंने देखे हैं जी अभी तक इन्होंने तो कोई नहीं अंडे दिए, और इनको चले पानी शानी डालते हैं। और ये देख लें जी माशाल्लाह दूध पी रहा है जी छोटा, दूसरे भी पिया कि नहीं अभी तक? पी लिया दोनों ने पिया। अच्छा चल रहे, दोनों ने दूध पी लिया और ये माँ के साथ हैं जी। इसको समय कुछ देर ऐसे ही रखो हैं, थोड़ी देर इस तरह ही यहाँ रखो ताकि जो है ना ये घूम फिर ले, थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, ज़रा ताकत शाकत आएगी इनके अंदर। ये देखें माशाल्लाह अभी ये तकरीबन 24 घंटे के हो गए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये क्या करने लगे हैं, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ये काट दिया, ये जो जहाँ से इसको खुराक बच्चे को मिलती होती है ना। वही वही प्यारे से प्यारे शेरू मैं मामा आपकी वो है, उधर देखो मामा आपकी, इधर आ जाओ छोटू, आपकी मामा वो हैं। तो जी ये देखिए जी हमारे खूबसूरत से जो हैं वो बच्चे आ चुके हैं, और हमारी रौनक और लगा दी है जी पेट व्लॉग के अंदर इन लोगों ने। इसको यार मैं अब छोड़ता हूँ, तेन उसने बार भाग जाना, मैं इसका क्या करूँ, इसका कोई लगाता हूँ एंड भी साफ। चलो मैं आ गया था रैबिट्स वाली साइड पर, तो इनको भी जाल डालते हैं कुछ चारा चारा। काफ़ी दिन हो गए इनको यार, कोई गाजरे नहीं समी डाली हमने, कल डाली थी। अच्छा जी कह रहा जी कल डाली थी गाजरे। आ जाओ यार भाई, आप भी घूम फिर लिया करो। चलो मैं आपके लिए चारा लेके आता हूँ। सो ये लो जी बाहर डाल, और तकरीबन कल इसी टाइम पे ना बच्चे पैदा हुए थे, समी ने बड़ी खिदमत शिदमत की है इनकी, और अब जो है वो माँ सुकून में आ गई है, उसे पता है मेरे बच्चे मेरे पास आ गए हैं। और ये देखें जी खूबसूरत रैबिट्स, तो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी, सारे परिंदे डॉग्स मुर्गियाँ सारे जो है खाना जाना खा रही हैं, और सिर्फ एक बंदा जो है वो सजा काट रहा है, और वो है डेजी। सॉरी कर लो पोटी, कर लो कर लो, डेजी के अलावा सारे एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात है आपको जी? मुर्गी डक्स आ गई हैं जी, मुर्गियों के इसके डक्स आ गई हैं जी बकरी के पास, क्योंकि ये भी चारा शौक से खाती है ना। जरा भाग गई इधर। सो जी तीनों माँ बेटे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये था आज का व्लॉग, और इस वक्त सारे जो हैं वो जानवर खा पी रहे हैं, पेट्स बतखें मुर्गियाँ सारा कुछ, तो इनको हम खाने देते हैं, इनको कुछ देर के बाद जो है वो हम बंद करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।